पॉइंट कंसिडरेशन के अंदर लेकर आना है वाइल डिवाइजिंग इस मर्चेंडाइजिंग प्लान दैट इज रिलेटेड टू असॉटमेंट वट टाइप ऑफ असॉर्टमेंट द रिटेलर शुड कैरी ही नीड्स टू डिफाइन इट आइदर वट पार्ट ऑफ असॉटमेंट विल बी स्टेपल गुड्स वट काइंडॉर्टमेंट वुड बी सीजनल गुड्स वट काइंडार्टमेंट वुड बी फैट गुड्स वट काइंडॉर्टमेंट वुड बी सो स्टेपल गुड्स एनी काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ असॉर्टमेंट द रिटेलर हैज टू डिफाइन देन He, the retailer has to see which brands the retailer should go. For example, if I take care of the beverages brand. So Pepsi, Coca-Cola, Pak Cola, Amrat Cola, Amrit Cola uh, Mizan Cola, Next Cola. So there are a lot of colas which are available. So the retailer has to decide which brands the retailer should carry and which brand should be part of the merchandising plan. Because you, as a retailer, cannot carry all the brands. So APCO. You have to see what who are the leader brands, who are the follower brands, what are the own brands, what are the seasonal brands and then accordingly you make a mix accordingly. Then timings are a very important aspect of merchandising plan which assortment which merchandise at what time it has to be clearly mentioned in your merchandising plan. Then allocation. So how much space? Allocation should be given to a particular assortment to a particular brand to a particular product. It has to be clearly defined and mentioned in the merchandising plan then forecasts. So Con, -con si products. What are the annual forecast for the overall retail store? What are the quarterly forecast? What are the monthly forecasts or if it is product wise brand wise everything has to be defined इन दी मर्चेंडाइजिंग प्लान और जो लास्ट फैक्टर यू शुड कंसिडर वाइल डिवाइजिंग योर मर्चेंडाइजिंग प्लान इट इज़ रिलेटेड टू इनोवेटिवनेस सो इनमें से कोई नंबर वन नंबर टू, नंबर लास्ट नहीं है ओनली फॉलोइंग ऑर्डर आई दूर्डर इट सो इनोवेटिवनेस इज़ की ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू सी वट काइंडोवेटिव अप्रोच यूल्ट

वो क्या है एक्चुअली सो फोरकास्ट आर एक्चुअली द प्रोजेक्शंस एक्सपेक्टेड सेल्स बाय अ पर्टिकुलर रिटेलर सो नॉर्मली एक रिटेलर फोरकास्ट बनाता है कि ओवरऑल कंपनी की क्या फोरकास्ट होगी फॉर एग्जांपल इफ द रिटेलर 20 स्टोर्स सो रिटेलर विल मेक फोरकास्ट ऑफ द टोटल कंपनी ऑफ दिस 20 स्टोर्स एंड देन द रिटेलर विल से व्हाट विल दौर फोरकास्ट फॉर माय वन स्टोर फॉर ईच स्टोर एंड देन

फिर देन हमारे पास टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज जब हम बात करे थे असॉटमेंट की मर्चेंडाइज की सो so रिटेलर को फॉरन ये इवेल्यूएट करना है कि मैं किस तरह की असॉटमेंट को कैरी कर रहा हूँ फोरकास्ट मेन पॉइंट था और सेकेंड मेन पॉइंट हमारे पास मर्चेंडाइज के हवाले से सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट जी जो सॉटमेंट उसको कैरी करनी है आइडर दे आर दी स्टेपल मर्चेंडाइज असॉटमेड मर्चेंडाइज फैशन मर्चेंडाइज सीजनल मर्चेंडाइज एंड फैट मर्चेंडाइज सो ये कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज द रिटेलर विल कैरी ये उसको आइडेंटिफाई करना है डिफाइन करना है एक्सप्लेन करना है अपने प्लान के अंदर अपने मर्चेंडाइजिंग प्लान के अंदर सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करते हैं स्टेपल मर्चेंडाइज के हवाले से क्योंकि कुछ मेन चीज़ें uh, ऐसी हैं कुछ मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि दे नीड्स मोर क्लैरिटी ऑन इट जिसमें से स्टेपल मर्चेंडाइज इज़ वन ऑफ दैम सो Regular products carried by a retail store. They are actually regular products, for example, milk, bread, eggs. So these are the routine items which are carried by a retail store. They are actually called staple foods or staple merchandise. So So basic stock list specify inventory level, brands, stocks, the style, level, color, size. So all aspect they are clearly defined and then followed. फॉर दीज बेसिक आइटम्स फॉर दीज बेसिक गुड्स विच आर अवेलेबल इन ए रिटेल स्टोरडाइज असॉर्टमेंट मर्चेंडाइज के अंदर वो तमाम असार्टमेंट इज रिटेड फर्नीचर इट इज ऑटो और एनी अदर प्रोडक्ट विच इज रिलेटेड टू दसार्टमेंट नॉट स्टेपल प्रोडक्ट्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंस दे आर ऑल फॉल देस हेयर तो नॉर्मली इस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर जो डिसीजन है दैट इज़ रिलेटेड टू कितनी प्रोडक्ट लाइन्स को आप करने जा रहे हैं किन डिज़ाइंस को फॉलो करने जा रहे हैं किन कलर्स को फॉलो करने जा रहे हैं कितने साइजिज़ को फॉलो करने जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्ट आइटम्स ये सारी बातें एलेबरेट की जाती हैं डिस्कस की जाती हैं और प्लान का हिस्सा बनाई जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिफ आय नो कि अगर मैं आई एम गोइंग टू सेल लेट्स एल ई डीज एल ई डी टेलीविजन तो अगेन विच साइज आई शुड सेल विच ब्रेंड आई शुड सेल विच पर्टिकुलर स्क्रीन साइज विच पर्टिकुलर फंक्शन विच पर्टिकुलर एट्रीब्यूट आई शुड सेल जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे प्रोडक्ट को बाई करने के लिए फिर देन हमारे पास फैशन एंड सीजनल मर्चेंडाइज सो कुछ प्रोडक्ट्स असॉटमेंट ऐसी हैं विच आर पार्ट ऑफ फैशन और कुछ प्रोडक्ट और असॉटमेंट ऐसी हैं विच आर पार्ट ऑफ लेट्स ए सीजनैलिटी सो इफ देर इज लेट्स ए स्कींग सीजन सो सीजनैलिटी प्रोडक्ट्स लाइक स्कीइंगड्स और स्पोर्ट्स गुड्स विल वर्क अगर यहाँ पर सीजनलिटी का उस पर कैंपिंग के हवाले से लेट से समर हॉलीडेज वोकेशन सो मे बी द कैंपिंग गुड्स हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू सेल इन टू द स्टोर सो वो तमाम असॉटमेंट जो कि सीजनैलिटी के हवाले से है वो सीजनैलिटी असॉटमेंट का पार्ट बनेगी और वह तमाम असॉटमेंट जो कि फैशन से रिलेटेड है दैट वुड बी पार्ट ऑफ फैशन सो नॉर्मली Uh, किया यह जाता है कि जो सीजनेलिटी प्रोडक्ट्स हैं दे आर फॉर अ पर्टिकुलर सीजन और उसके बाद आइर उनको क्लीन करके उसको क्लोज करके सेल लगा दी जाती है ताकि उस असॉटमेंट से को बिल्कुल गेट गेटरेट किया जा सके और दे आर नॉर्मली रिटर्न टू सप्लायर सो नॉर्मली बिल्कुल कन्जटिव टाइम पीरियड नहीं होती हैं दे आर इन टू द स्टोर फॉर अ नॉन एग्जिव टाइम पीरियड तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं हमारे पास डिवाइसिंग प्लान के अंदर जो आपकी फैशन मर्चेंडाइज है सीजनल मर्चेंडाइज़ है स्टेपल मर्चेंडाइज़ है ये सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं